हेलो एवरीवन, आज हम अनबॉक्सिंग कर रहे हैं ये गैस बर्नर स्टोव की स्मार्ट एलिगेंट लॉन्ग लास्टिंग। मॉडल नंबर आपके स्क्रीन पर इसका दिख रहा है। ये देखिए, 4 बर्नर का गैस स्टोव है ये, और मैं इसका जो बॉक्स है ये अमेज़न से मंगाया है। इसको मैं खोल रही हूँ, आप देख सकते हैं। और ये है प्रेस्टिज मार्वल प्लस, यानी प्रेस्टिज के ही कई ब्रांड्स आती हैं। जो मैंने लिया है वो ये है। आपको खोलकर मैं इसको दिखाती हूँ, मुझे बहुत सुंदर लगा। अब आप देख सकते हैं प्रेस्टिज के एक जानी मानी ब्रांड है ये। देखिए बहुत सारे इसके प्रोडक्ट्स हैं। प्रेस्टिज कुकटॉप है, मिक्सी है, गोल्ड हॉब है, प्रेस्टिज का ये है, ये है, और ये 2 वाला भी है और 3 वाला भी है, बट हमने लिया है ये 4 वाला चूल्हा। और ये देखिए कितनी अच्छी ये पैकिंग है पूरी, यानी एक बर्नर्स के ऊपर भी ऐसे पैक किया हुआ है तो डैमेज होने का कोई चांस ही नहीं बनता। तो सबसे पहले हम निकालते हैं इसमें से मैनुअल। ये है स्मार्ट एलिगेंट लॉन्ग लास्टिंग प्रेस्टिज मार्वल प्लस। ये इसके इंस्ट्रक्शंस हैं, ये सारे इसमें ये दिए हुआ है। इसके जो ये पॉइंट्स हैं इनको क्या क्या कहते हैं, और ये फिर है हाउ टू यूज प्रेस्टिज मार्वल प्लस, हाउ टू असेंबल योर प्रेस्टिज गैस स्टोव। ये बर्नर रेटिंग्स हैं, ये है, और ये हमारे इसकी सब चिमनी वगैरह भी हैं। काफ़ी प्रोडक्ट्स हैं किचन में प्रेस्टिज का, बहुत अच्छा वो है। तो अब मैं आप ये देखिए, इसकी जो पैकिंग वो बहुत अच्छी की हुई है, थर्माकोल के पीसेस से है, और फिर से पॉलिथीन है ऊपर, ये प्लास्टिक से पैक है। और अलग अलग जो इसके स्टैंड हैं बर्नर से टच ना हो, आपस में रगड़ खा के ख़राब ना हो, धागे से भी बांधा हुआ है इसको, थ्रेड से, प्लास्टिक थ्रेड से। और चारों तरफ से देखिए कितने अच्छे से पैक है, देख रहे हैं ना। तो यानी हमने जो इसको अमेज़न से मंगाया है, इन्होंने पैकिंग बहुत अच्छी करके दी है, कहीं भी कोई स्क्रैच नहीं है। और आपको मैं खोल के बताऊँ, ये डबल ट्रे है इसके अंदर। ये बेनिफिट है कि आप एक ट्रे देखिए फिक्स है, ये देख रहे हैं आप, और बर्नर ये ब्रास का है, बहुत अच्छा होता है। और ये डबल प्लेट है इसके अंदर, और ये 2 ईयर वारंटी है ग्लास की, ISI सर्टिफाइड है। बहुत अच्छा ये कुकटॉप है, बहुत अच्छे से इसकी पैकिंग है। और जो डबल प्लेट मैं बता रही हूँ वो है ताकि दूध निकले तो आप एक प्लेट को साफ कर लें। कॉर्नर्स में आप देख रहे हैं थर्माकोल लगा हुआ है, इससे डैमेज ना होता कि ये। अब ये सारी जो पैकिंग है प्लास्टिक पैकिंग हम निकाल लेते हैं, आप सारे निकाल लेंगे। आप ये देखिए, ये नीचे जो प्लेट्स हैं वो स्टेनलेस स्टील की हैं। अब आपने देखा ये हमने सब सेट कर लिया है, और ये जो है ना ये प्लेट फिक्स है, और ये प्लेट का ये होल और ये होल हमें मिलाना है ऐसे, और तब हम इसको इसको सेट करेंगे इस टाइप से। अब ये मूव नहीं होगा, यानी फिक्स है, यानी जब भी आपको क्लीन करना है इसको उठाइए, इसको निकालिए, क्लीन कीजिए और साफ है। डबल प्लेट होने से बहुत अच्छा हुआ है। ये इसकी नॉब्स हैं 4, ये मैनुअल है, ऑटो इग्निशन नहीं है। यहाँ करेंगे तो ऐसे ऑन हो जाएगा, और ये सिम हो जाएगा इधर, और ये ऑफ हो जाएगा। तो बहुत इजी टू हैंडल है और बहुत बढ़िया है। तो इसका मैं आपको रिव्यू दूंगी जल्दी से ही। और हाँ, इसमें से ये कि स्मॉल पीस है जो स्टैंड की तरह से है, एक ही पीस है ताकि कोई छोटा बर्तन जैसे बाउल टाइप आपको रखना हो उसके काम ही आ सके। तो बहुत बढ़िया है, और साथ में ये एक पिन भी है जिससे आप इसके होल, जो बर्नर के होल हैं उसको क्लीन कर सके, यानी आपका दूध निकल गया या कुछ और इसमें डल गया तो उसको क्लीन किया जा सके। और ये कॉशंस हैं, यानी बाटी कुकर आप यूज़ नहीं कर सकते। आप ग्लास देखिए कितना शाइन कर रहा है, मेरा सीलिंग फैन भी इसमें दिखाई दे रहा है। ये जो नॉब है ना आप देख सकते हैं, इसको आप ऐसे ऐसे कर सकते हैं, नॉब बहुत अच्छे से मूव हो सकती है। इसमें आप ये हटाकर, ये हट जाएगा और यहाँ पर ये पाइप लग जाएगा, ये हटाकर यहाँ पर पाइप लग जाएगा।
तो ये देखिए हम इस पे डाल रहे हैं चपाती। आप देख सकते हैं इसकी फ्लेम देखिए बिल्कुल परफेक्ट है, ये बड़ी वाली गैस है और इस पे हम रख रहे हैं चपाती। मैं आपको इसका रिव्यू दे रही हूँ, ये गैस मुझे बहुत पसंद आई है, ये गैस का चूल्हा, तो आप इसको खरीद सकते हैं। मैंने दिवाली से पहले इसीलिए आपको ये डाल रही हूँ ताकि आप लेना चाहें तो आप ले सकें। ये चपाती एक तरफ से पच जाए तो हम इधर से इसको सेकेंगे। आप देख सकते हैं इस तवे का रिव्यू भी मैं आपको दे चुकी हूँ, तवा भी चपाती बनाने के लिए बहुत अच्छा है। पराठे वगैरह इस पे बनाने से ये जल जाता है, तो अगर चपाती बनानी है तो आपको ये फ्यूचरा का तवा बहुत बढ़िया रहेगा और साफ भी रहता है। ये देखिए हमारी जब चपाती इस तरह की हो जाए तो हम इसको गैस पे इस तरह से सेक लेंगे और कितनी परफेक्ट ये चपाती बन रही है, ना फ्लेम बाहर है ना। कभी कभी क्या होता है चपाती के ऊपर ना यहाँ पर एक सर्कल बन जाता है, गैस ऐसी होती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है और बहुत अच्छी ये चपाती बनकर तैयार है। मैं आपको चारों की इसकी फ्लेम भी आपको जला के दिखाऊं। देखिए ये सबसे छोटा है, देख सकते हैं आप, कम करेंगे तो इतना कम हो जाता है, ये भी इतना कम हो जाता है, ये फिर थोड़ा और बड़ा है सेकंड नंबर पे, और फिर ये है छोटा, यानी दो छोटे बर्नर हैं और ये एक सबसे बड़ा है और एक मीडियम साइज का है। तो ये परफेक्ट गैस है, आप इसको ले सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई रेसिपी।